सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टीम व्यूअर एप्लीकेशन की पूरी जानकारी, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। अब टीम व्यूअर एप्लीकेशन क्या होता है, पहले इसको समझ लें। टीम व्यूअर एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम एक कंप्यूटर सिस्टम को किसी अनदर कंप्यूटर सिस्टम से रिमोट हेल्प के लिए या कोई फाइल या डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कैसे वर्क करना होता है, जैसे कि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम आप एक शहर में हैं और आपको अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली में या आपके ऑफिस में किसी को टेक्निकल हेल्प देना है या कोई डेटा ट्रांसफर करना है या रिसीव करना है या टेक्निकली हेल्प चाहिए आपको, तो ऐसा एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, यानी टीम व्यूअर यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। बहुत आसानी से आप टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं, डेटा फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं एंड जस्ट वाइस वर्सा वर्क कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने दो कंप्यूटर सिस्टम लिया है, दोनों कंप्यूटर सिस्टम पे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। सबसे पहले आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक विंडोज 10 का मशीन लिया है। यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है टीम व्यूअर। टीम व्यूअर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पे लिखेंगे टीम व्यूअर डाउनलोड। टीम व्यूअर डाउनलोड लिखने के बाद फर्स्ट लिंक से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहां पे आपके कंप्यूटर सिस्टम पे देखेंगे तो विंडोज, मैक, लिनक्स, क्रोम ओएस, रास्पबेरी पाई एंड आप यहां से देखेंगे तो मोबाइल, आईओएस, एंड्रॉयड, सभी के लिए आपका टीम व्यूअर एप्लीकेशन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल में टीम व्यूअर को एक्सेस करना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल से किसी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसमें भी जस्ट आपको टीम व्यूअर मोबाइल के लिए इस्तेमाल कर लेना है और आगे का नेक्स्ट स्टेप सिमिलर होने वाला है। मैं यहाँ पे विंडोज कंप्यूटर यूज करता हूं, तो विंडोज कंप्यूटर में यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। विंडोज कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद फाइनली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको डाउनलोड 64-bit एंड 32-bit वर्जन के अकॉर्डिंग डाउनलोड करना है। अब आपको पता कैसे चलेगा आपका कौन सा वर्जन है, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आऊंगा, यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन करूंगा। दिस पीसी पर आने के बाद प्रॉपर्टीज में आ जाऊंगा और यहां से मैं चेक कर सकता हूं ये हमारा 64-bit आर्किटेक्चर पर ये हमारा वर्जन है। तो जस्ट मुझे इसको क्लोज करना है, इसको भी क्लोज करना है और यहां से 64-bit वर्जन के लिए डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोडिंग जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, अब आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे इस पे जस्ट क्लिक करना है और ये इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो जाएगा। यहां पे डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करें एंड देन एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहां पे यस बटन प्रेस करेंगे, आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहां पे आपको टीम व्यूअर के टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आपका टीम व्यूअर एप्लीकेशन रेडी हो गया यूज करने के लिए। अब दूसरी साइड हमें सेम सेटअप कर लेना होगा। टीम व्यूअर एप्लीकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा एक आईडी दिखा रहा है यहाँ पे और एक पासवर्ड दिखा रहा है। ये टेम्परेरली जनरेटेड पासवर्ड है, आप चाहे तो परमानेंट एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। साइन अप प्रोसेस क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले एक डिफॉल्ट वर्जन के साथ हम लोग ट्राई कर लेते हैं। जैसे हमारा जो पर्टिकुलर आईडी है, इस आईडी के थ्रू हम चाहे तो अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करवा सकते हैं या किसी अनदर कंप्यूटर सिस्टम का आईडी यहाँ पे ऐड करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक कंप्यूटर सिस्टम का आईडी यूज किया हुआ है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो रहा है। अभी इसको मुझे रिमूव करना है और हमें ये देखना है कि दूसरा कंप्यूटर सिस्टम पर हमें इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं आ जाता हूँ दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर। मैं आ गया अभी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर और यहाँ पे मुझे क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट। अब क्विक सपोर्ट भी आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि अगर मान लिया कि मैं इसको एज अ क्लाइंट यूज करना चाहता हूं और पहले कंप्यूटर के थ्रू मैं इस कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि ये कंप्यूटर सिस्टम किसी को और एक्सेस कर पाए, तो क्विक सपोर्ट आप यहां पे ले सकते हैं। अब क्विक सपोर्ट के लिए जस्ट इस पे क्लिक करना, आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। आप यहां से बैक आ सकते हैं और यहां से टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट हटाकर टीम व्यूअर डाउनलोड यहां पर भी कर सकते हैं। दोनों एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां से जस्ट इसको क्लिक कर देता हूं। एंड विंडोज के लिए 64-bit वर्जन है मेरा ये भी, तो मैंने जस्ट इसको डाउनलोड कर लिया।
अब मुझे टीम वीवर क्विक सपोर्ट की अभी जरूरत है क्योंकि मुझे क्विक सपोर्ट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस पे जस्ट क्लिक करता हूँ और रन बटन पे क्लिक कर दूंगा। रन बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक आईडी और एक पासवर्ड मिल जाएगा। ये आईडी पासवर्ड अपने टेक्निकल टीम को या अपने फ्रेंड को शेयर करना है जिसके थ्रू आप चाहते हो कि आपको हेल्प मिले या वहां से कोई फाइल डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो। तो मेरा यहाँ पे 1143220770 है और ये पासवर्ड है। पासवर्ड मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट मुझे इस पासवर्ड को क्या करना है, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे या दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पे अप्लाई करना है। मैं आ जाता हूँ फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम पे। कंप्यूटर सिस्टम पे हमें आईडी पार्टनर की ऐड करनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आईडी यही सेम यूज किया हुआ है 1143220770। कनेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो टेम्परेली जो जनरेट हुआ था पासवर्ड उसको यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। पासवर्ड मुझे देखना पड़ेगा, तो पासवर्ड है मेरा GT। पासवर्ड यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऐड करने के बाद जस्ट लॉग ऑन बटन पे क्लिक कर देना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपका कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस हो चुका है। ये क्लाइंट मशीन है आपका, इस क्लाइंट मशीन पर देखेंगे कि आपको क्या सपोर्ट देना था। मान लिया कंट्रोल पैनल में जाकर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल, ऐड, रिमूव कुछ भी करना है तो उसको आप यहाँ से पूरी तरीके से कंट्रोल एंड मैनेज कर सकते हैं। पूरे कंप्यूटर सिस्टम आपके पास इसका कंप्लीट एक्सेस है, आप कुछ भी अभी इस कंप्यूटर सिस्टम पे कर सकते हैं। यहाँ से आपको चैट सपोर्ट भी मिलता है, ऑडियो सपोर्ट भी मिलता है, वीडियो कॉल का भी सपोर्ट मिलता है। इसके साथ अगर फाइल ट्रांसफर करना है तो जब फाइल एंड एक्स्ट्रा पे आ जाएंगे एंड यहाँ से ओपन फाइल एंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। जो भी फाइल आपको ट्रांसफर करना है, ये अभी करंटली जिस कंप्यूटर पर मैं हूँ वो है और ये हमारा टारगेट कंप्यूटर है। जिस कंप्यूटर पर मैं हूँ अगर यहाँ से कोई भी चीज ट्रांसफर करना है, जैसे अभी मुझे टीम वीवर एप्लीकेशन ये ट्रांसफर करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम के डेस्कटॉप पर, तो मैं यहाँ से जस्ट ट्रांसफर कर दूंगा और हमारे डेस्कटॉप पर आप देख सकते हैं ये डेटा आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में दिखा रहा है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम पे डेटा आ चुका। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें आपने रिमोट क्विक सपोर्ट एक्सेस यूज किया और किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को आपने एक्सेस किया। तो इस तरीके से आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं टीम वीवर का यूज करके। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निकल अपडेट और डेली बेसिस पर वीडियोस मैं देता रहता हूं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।